मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर। आज हम बात करेंगे मानव प्रजातियों का उद्भव और विकास किस तरह हुआ। ये मानव भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है। मानव प्रजातियों के उद्भव विकास की प्रक्रिया जटिल है। इसके बारे में मनुष्य का ज्ञान अभी भी अधूरा है। मानव शास्त्रीय इस बिंदु पर एकमत नहीं है। कॉबर ने कहा है कि हम मानव प्रकारों के परिवर्तन करने वाले कारकों के विषय में बहुत कम जानते हैं और प्रजातियों के इतिहास के संदर्भ में हमारा ज्ञान अधूरा है। संसार के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले प्रजातियों के बाहरी लक्षणों में पर्याप्त अंतर, देश, काल, मानवीय कारकों के कारण कुछ पीढ़ियों के पश्चात परिवर्तन देखा जा सकता है। कॉबर के अनुसार अंतर प्रजातीय विवाह, प्राकृतिक चयन और पर्यावरण आदि ऐसे तत्व हैं जो प्रजातियों के गुणों, शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। मानव प्रजातियों की शारीरिक रचना के बाहरी लक्षणों व विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारकों का हम इस तरह से निम्न प्रकार वर्णन कर सकते हैं। नंबर एक, ग्रंथिरस प्रभाव। मानव शास्त्रियों के अनुसार सभी मानव प्रजातियों का उत्पत्ति क्षेत्र एक है और वे सभी एक ही पितरों की संतान रही हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले ग्रंथियां पृथक पृथक क्रिया करती हैं, जिससे प्रजाति में भिन्नता आ जाती है, जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। पीयूष ग्रंथि अधिक क्रियाशील होने के कारण काकेशियन प्रजाति का कद ऊंचा, शरीर भारी, विकसित भौहें तथा नाक सुंदर है। इसके विपरीत गल ग्रंथि की निष्क्रियता के कारण मंगोलीय प्रजाति के लोगों के नाक चपटी, चेहरा चपटा तथा माथा उभरा हुआ है। इसी प्रकार एड्रिनल ग्रंथि के कारण त्वचा के रंग में परिवर्तन होता है। पर्यावरण के द्वारा भी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी ग्रंथियों की क्रिया में परिवर्तन देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप शरीर के बाहरी लक्षणों में भी बदलाव देखने को मिलता है। मनुष्य में चार प्रमुख रक्त समूह पाए जाते हैं। ए रक्त समूह के लोग यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में अधिक हैं, बी रक्त समूह के लोग मध्य एशिया में अधिक हैं और शेष एशिया में मिश्रित रक्त समूह के लोग पाए जाते हैं। ये सब ग्रंथि रस के कारण ही है। दूसरा कारण जो है प्राकृतिक एवं जैविक परिवर्तन। किसी भी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण उसके जीन्स में पाए जाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहते हैं। इसमें प्राकृतिक कारण द्वारा परिवर्तन भी होता रहता है। यह परिवर्तन प्राकृतिक छटाव के कारण होता है। इसका प्रमुख कारण प्रवास माना जाता है। मानव जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है तो मार्ग में उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस क्रम में निर्बल और रोगी व्यक्ति बीच में छूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, और सबल और सुदृढ़ व्यक्ति सारी बाधाओं को पार करते हुए भी आगे निकल जाते हैं। कालांतर में धीरे धीरे प्रवास के कारण अनेक शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन आ गया। इस कारण प्राकृतिक छांट के कारण परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। अपने वातावरण समायोजन के कारण टुंड्रा प्रदेश के लोग अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी प्रकार अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन में रहने वाली प्रजातियों भी परिवर्तन नजर आ रहे हैं। भूमध्यसागरीय प्रजाति जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में चली गई, उनके शारीरिक लक्षणों में परिवर्तन आया है। ये सब प्राकृतिक और जैविक परिवर्तन का परिणाम है। तीसरा कारण है जलवायु परिवर्तन। आरंभिक काल में मानव विकास में जिन प्राकृतिक शक्तियों का सबसे अधिक नियंत्रण रहा है उसमें जलवायु प्रमुख थी। नूतन युग प्लेस्टिशन पीरियड में चार बड़े हिम युग आए तथा बीच बीच में अंतरिम हिम युग के बीच उष्ण जलवायु का प्रभाव पड़ा। ग्रिफिथ टेलर का कटिबंध स्तरीय सिद्धांत जलवायु परिवर्तनों पर आधारित है। उनके अनुसार सभी मानव प्रजातियों का उद्भव स्थल मध्य एशिया को माना जाता है।
प्लेटोसन युग में चार बड़े हिमयुग आए, जिनमें बीच बीच में गर्म जलवायु वाले अंतर हिमयुग भी आए। जब मध्य एशिया की भूमि पर प्रथम मानव वर्ग का विकास हुआ, वहाँ की जलवायु गर्म और मानव निवास के युग थी। कालांतर में युग के आगमन से मध्य एशिया की जलवायु शीतल हो गई और गर्म जलवायु की पेटियाँ भी दक्षिण की ओर खिसकती गई। इसके परिणाम स्वरूप मध्य एशिया में मानव समूह ने भी दक्षिण की ओर प्रवास किया तथा जलवायु दशाएं अपेक्षाकृत गर्म और उपयुक्त थी। मार्ग में अनेक पहाड़ियाँ, प्राकृतिक अवरोध आए, जिसके कारण शारीरिक परिवर्तन भी आए। हिमयुग के समाप्त होने पर मध्य एशिया में पूर्ण गर्म जलवायु आई और फलस्वरूप मध्य एशिया में लोग दोबारा से लौटे, किंतु बहुत से लोग नहीं लौटे। दक्षिण एशिया में जलवायु गर्म थी, तेज गर्मी के कारण मनुष्य का रंग काला हो गया, सिर लंबा और होंठ मोटे हो गए। इसके विपरीत मध्य एशिया में विकसित प्रजाति के रंग अपेक्षाकृत श्वेत और सिर चौड़ा रहा, क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलवायु थी। इसी प्रकार अन्य हिमयुगों के आगमन के परिणाम भी बड़े पैमाने पर मानव वर्गों का प्रवास हुआ। भिन्न भिन्न मानव प्रजातियों में जलवायु के कारण उनके वर्ण, शरीर की संरचना में परिवर्तन आया। जलवायु का मनुष्य की त्वचा पर गहरा प्रभाव पड़ा। जहाँ पर धूप और गर्मी थी, वहाँ पर काली प्रजातियाँ, और जहाँ पर हमेशा ठंड या सर्दी रहती थी, वहाँ पर श्वेत प्रजातियों का विकास हुआ। जलवायु का प्रभाव त्वचा के वर्ण के अतिरिक्त नाक की बनावट, रंग, केशों की रचना आकृति, सिर की आकृति, मुख की आकृति आदि पर भी प्रभाव पड़ा। चौथा कारण था भौगोलिक एवं सामाजिक पार्थक्य, ज्योग्राफिकल एंड सोशल आइसोलेशन। प्रारंभिक पुरापाषाण काल में जनसंख्या बहुत कम थी, धीरे धीरे क्षेत्रों में बिखर गई और जलवायु दशाओं के कारण भिन्न भिन्न जगह पर चली गई। इसके बीच बीच में अनेक प्रकार के प्राकृतिक अवरोध भी थे, जिसके कारण एक दूसरे प्रदेश के निवासी करने वाली प्रजातियों का संपर्क नहीं हो पाता था। दुर्गम पर्वतमालाओं, मरुस्थलों, सागरों, नदियों, जंगलों, मरुस्थलों में अलग अलग मानव प्रजातियों के समूह, शारीरिक लक्षणों का विकास, जलवायु तथा अन्य प्राकृतिक दक्षताओं से अधिक प्रभावित रहा। मनुष्य के भौगोलिक सामाजिक अलगाव भी रहा। यह अलगाव भाषा का के संघर्ष के कारण रहा। इस प्रकार ऐसा माना जाता है कि भिन्न भिन्न भौगोलिक दशाओं में भिन्न भिन्न शारीरिक लक्षणों वाली प्रजातियों का विकास हुआ, और उन प्रजातियों के बीच अवरोध और अलगाव न होते तो उनमें एक दूसरे से भिन्न शारीरिक लक्षण का उद्भव संभव नहीं था। मानव सभ्यताओं के विकास के साथ साथ भिन्न मानव प्रजातियाँ एक दूसरे से निकट होती गई। पारस्परिक संपर्क से मिश्रण गुण वाली प्रजातियों का भी विकास हुआ, और नेस्तुक ने अपनी पुस्तक में लिखा, मानव जाति में लिखा कि मानव वैज्ञानिक प्रारूप के कुछ समूह जैसे आर्टिक का एस्किमो, पिग्मी और ऑस्ट्रेलिया आदिवासी लंबे समय तक पूर्ण से पृथक रहने से उनकी विशिष्ट लक्षण तीव्रता से रहे, और पिछले 500 वर्षों में इन का जो रेशियल प्यूरिटी को खो दिया, जिसके कारण आज भी शुद्ध प्रजातियां नहीं रह गई हैं। प्रजातियों का मिश्रण, रेशियल मिक्सचर, कालांतर में प्राकृतिक, धार्मिक और आर्थिक राजनीतिक कारणों से मानव समुदायों के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आगमन, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आवास के कारण, मानव प्रवास के कारण, पृथक पृथक मानव प्रजातियों के स्त्री पुरुषों में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, जिससे उनकी जो संतानें हैं वो मिश्रण प्रजाति की उत्पन्न हुई। इस प्रकार दो भिन्न प्रजातियों के स्त्री पुरुष के संपर्क से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हुई, जो मिश्रित प्रजाति का उदाहरण है। रूसी मानवशास्त्री नेस्तुर्क के मतानुसार प्रजातियों पर मनुष्य के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रभाव का सुंदर उदाहरण अंतरजात प्रजातीय विवाह सबमिश्रण की प्रक्रिया है। किस तरह से दो प्रजातियां जब एक साथ मिलती हैं तो उनका जो
प्रजातीय मिश्रण आ जाता है। इस प्रकार यूरोप, जापान, यूरोपीय अमेरिकन इंडियन, यूरोपियन ऑस्ट्रेल प्रजातियों के मिश्रण से विश्व में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, और दक्षिण अमेरिका में तिहरे और उससे भी अधिक मिश्रण का वितरण प्राप्त होता है, जिसमें निग्रो भी पाए जाते हैं, यूरोपियन, इंडियन, अमेरिकन। इस प्रकार सभी प्रजातियों के सीमांत क्षेत्रों में दीर्घकाल तक समिश्रण के परिणाम स्वरूप उनके संकर्ष के कारण मिश्रित प्रजातियों का विकास हुआ। इस तरह से मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षण पैदा हुए,